हेलो एवरीवन, अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, आपकी लैट्रिन वाली जगह पर बहुत ज़्यादा जलन होती है पेट में कीड़े के वजह से, अगर आपको पेट में बार बार कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। अधिकतर देखा जाता है कि बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। जब भी बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को पेट में दर्द होता है, और ये दर्द अधिकतर रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिन में भी दर्द होता है लेकिन कम होता है। बच्चे रात में ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और बच्चों को बार बार भूख लगती है। आपका बच्चा आप देखेंगे कि बार बार खाना मांगता है, बहुत ज़्यादा खाता जाता है, क्योंकि बच्चे का खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी पच जाता है, जिसके कारण बच्चा आपसे बार बार खाने के लिए मांगता है। जब भी बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा असर होता है, बच्चा आपका बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन वाला दर्द होता है। आपका बच्चा जब भी लैट्रिन करने जाता है और अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो बच्चे को लैट्रिन वाली जगह पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है लैट्रिन वाली जगह पर, बच्चा आपका बहुत ज़्यादा खुजाता है। और बच्चा जब भी लैट्रिन करता है तो बच्चे की लैट्रिन में अगर कीड़े की मात्रा ज़्यादा हो गई तो आपको कीड़े देखने को मिलेंगे। अगर आप बच्चे की लैट्रिन की जाँच करवाते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं या स्टूल कल्चर करवाते हैं आप, तो उसमें निकल कर आ जाएगा कि बच्चे की लैट्रिन में कौन सा कीड़ा प्रेजेंट है, कौन सा वर्म प्रेजेंट है, थ्रेड वर्म प्रेजेंट है कि टैप वर्म प्रेजेंट है कि स्कैरिस प्रेजेंट है, ट्रिचिनोसिस प्रेजेंट है। जब भी वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, तो ये आपकी आंतों में प्रेजेंट हो सकते हैं, आपकी बड़ी आंत में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या ड्यूओडेनम या आपके स्टमक। आपको वर्म प्रेजेंट है तो कहाँ पर प्रेजेंट है ये देखना पड़ेगा। जब आपकी स्टूल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आएगी, कल्चर की रिपोर्ट आएगी, तो पता चल जाएगा कि कौन सा आपको कीड़ा प्रेजेंट है, कौन सा पैरासाइट प्रेजेंट है आपकी रिपोर्ट में। अगर आपके बच्चे के पेट में वार्म हो गया है, कीड़ा हो गया है, और किसी भी टाइप का आपके बच्चे के पेट में कीड़ा हो गया है, तो उस कीड़े को मारने के लिए, वार्म को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। बार्मोसिन ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव है। इस ड्रॉप को आपको लगातार 3 टाइम इस्तेमाल करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। इस ड्रॉप को आपको देना है 10-10 बूंद 3 टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। अगर बच्चे की 5 साल से कम एज है तो आप 5-5 ड्रॉप दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि बच्चे का वजन कितना है, वजन भी देखना पड़ेगा। ये ड्रॉप आपको देना है पानी के साथ, पानी गर्म कर लीजिएगा, हल्का गुनगुने पानी में इस ड्रॉप को डालेगा, आधे कप पानी में मिक्स करके दे दीजिएगा अपने बच्चे को। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।